हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आप देख ही रहो, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है जम्मू में। सो मैं आया था अपनी बाइक को वॉश कराने, जो आप पीछे देख रहे हो काफ़ी गंदी हो रखी है। और साथ में मुझे एक वीडियो बनानी थी जिसमें मुझे बाइक की एक्सेसरीज़ को शो करना था आपको। सो मैंने सोचा कि साथ में वॉश भी करा लेंगे और साथ में वीडियो भी बना लेंगे जिसमें अपनी एक्सेसरीज़ के बारे में बताऊँगा जो मैंने अपनी बाइक हिमालयन पर लगा रखी है। और गाइस काफ़ी ठंड हो रखी है यार इधर जम्मू में, क्योंकि आज बारिश हुई है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया हुआ है। सो गाइस चलो वॉशिंग कराते हैं और उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बाइक की वॉशिंग हो चुकी है, ऐसी कुछ लग रही है अपनी बाइक। तो मैं शुरू करता हूँ इसकी एक्सेसरीज के बारे में। तो सबसे पहली एक्सेसरी है वो है इसके डबल हॉर्न। कंपनी से सिंगल हॉर्न आता है इस बाइक के अंदर, जो मुझे इस बाइक के हिसाब से सूटेड नहीं लग रहा था, तो मैंने रॉयल इनफील्ड से ही एक दूसरा हॉर्न परचेज़ करके इसमें लगवाया है। तो उसकी आवाज़ की साउंड भी मैं एंड में वीडियो में डाल दूंगा। सेकंड जो चीज़ है जो मैंने इसमें लगाई है वो है ये क्रैश गार्ड्स। मेरे को जाना के क्रैश गार्ड ऑर्डर करने थे, बट वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं आ रहे थे, वो बार बार आउट ऑफ स्टॉक आ रहे थे। तो मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिए हैं जम्मू से ही, कुंदन से गुम्मट जिसकी दुकान है। तो काफ़ी अच्छे हैं यार ये भी क्रैश गार्ड्स ना बाइक के लिए, तो मुझे ये वाले पसंद आए तो मैंने ये लगवा लिए। थर्ड चीज़ है जो गाइस मैंने करवाई है इसमें वो है इसका फ्रंट वाइज़र जो है वो टिंट करवाया है, क्योंकि वाइट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और साथ में उससे स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं तो वो दिख जाते हैं। तो मैंने इसमें ब्लैक टिंटेड करवाया है शीशे को। जो फोर्थ चीज़ है वो मैंने इसके अंदर LED डलवाई है, जो काफ़ी ब्राइट है यार, क्योंकि नॉर्मल जो इसके अंदर हैलोजन बल्ब आता है उसकी इतनी लाइट नहीं और विजिबिलिटी नहीं है रात को अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। तो मैंने इसके अंदर LED लगवाई है। इसकी भी लाइट में जो आ रही है उसकी वीडियो रात को व्यू करके वीडियो के एंड में डाल दूंगा। जो एक फोर्थ चीज़ है वो मैंने लगाया है ये ट्रैवल एड का कैरी बैग। ये यूजुअली जब बाइक पे आप कहीं राइड कर रहे हो तो अपना वॉलेट वगैरह कैरी करने के लिए या छोटा मोटा सामान कैरी करने के लिए काम आता है, और इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है। ये वेलक्रो से टाई होता है इसके ऊपर और ये काफ़ी स्टर्डी है, ऐसे हिलता नहीं है ड्राइव करते हुए। एक मैंने ये लगाया है। इसके अंदर ये पड़े हैं मेरे ये बंजी रोप्स। आपको ये पूछेगा कि भाई बंजी रोप से आपको बाइक में क्या करना है, भाई ये काम आते हैं यहाँ पर पीछे यहाँ पे। अगर आपको बाई चांस आपने हेलमेट कैरी की हुई है और आपने उसको उतारना है थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल के लिए, हेलमेट नहीं पहननी है पीछे, इसको टाई करना है हेलमेट का ध्यान, इसको आप टाई कर सकते हो इससे, या कोई भी सामान जिसको आपको पीछे वाली सीट पे रखना है और वो गिर सकता है तो उसके लिए आप इसको टाई कर सकते हो। नॉर्मली लोग ट्रैवलिंग के टाइम पर बैग्स वगैरह कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक मैंने एसेसरी ये भी ली हुई है, ये भी मैंने अमेज़ोन से ली है। इस बैग का और इस एसेसरीज़ का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अमेज़ोन से लिया मैंने, तो आप चेक कर लेना। और जो फोर्थ चीज़ है जो मैंने ली है वो है ये हैं HJG के प्रोजेक्टर्स। भाई इनकी काफ़ी अच्छी लाइट है, अगर मैं आपको इसको अभी ऑन करके दिखाऊंगा तो आपको जस्टिस नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी दिन है, बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ, साथ में इसकी रात वाली वीडियो भी डाल दूँगा। ये हैं इसके कुछ फ्रंट लुक आगे से जो आती है, ये इसमें एक येलो मोड है जो फॉग में काम आता है, और एक इसका है वाइट मोड जो नॉर्मल ट्रैवल में काम आता है, अगर आप कहीं बाइक राइड वगैरह पे जा रहे हो तो ये वहाँ पे बहुत काम आता है, ये बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ा देता है। इसकी मैं वीडियो एंड में अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेना कैसे कुछ है ये। और गाइस इसका स्विच लगवाया है मैंने यहाँ पर, ये है ऑन एंड ऑफ इसका बटन, ये येलो वाले का है और ये वाइट वाले का है, ये चीज़ें लगवाई है। और गाइज एक लास्ट चीज़ बची है जो मैंने लगवाया है वो है ये रेडिएटर गार्ड। गाइज जब आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते हो ना और कहीं भी एरिया जहाँ पे पत्थर वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो गाइज सबसे पहले जो स्टोन्स हिट करते हैं वो हिट करते हैं रेडिएटर को, और गाइज वो ज़्यादा ज़रूरी है इंजन के लिए।
तो मैंने ये रेडिएटर गार्ड लगाया है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। ये मैंने रॉयल एनफील्ड से ही लिया था जब मैंने बाइक परचेज की थी। ये मुझे पड़ा था अराउंड 1250 रुपीज़ का। तो ये सारी कुछ एसेसरीज़ है। और गाइस हम और भी एसेसरीज लगाएंगे अपनी बाइक के ऊपर, और उसके बारे में मैं व्लॉग डालता रहूँगा क्या कुछ एसेसरीज मैं लगा रहा हूँ डे बाय डे। ऐसी कुछ लग रही है अपनी बाइक पीछे से। सो गाइस यहाँ पे हुई हमारी बाइक की एसेसरीज़ की वीडियो ख़त्म। एंड में मैं अटैच करता हूँ इसकी लाइट्स एंड ऑल की वीडियो, और आप अभी इन्जॉय करो कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट्स। तो गाइज यहाँ पे आ गया मैं रात को एक खाली सी रोड पे, आपको एक ओवरव्यू देने कि जो मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स लगाई हैं बाइक में क्या लाइट है उसकी। तो सबसे पहले ऑन करते हैं हम अपनी येलो वाली जो है फॉग लाइट्स। देखो भाई कितनी ब्राइट है यार, ये कितनी ज़्यादा ब्राइट है यार, ये पूरी रोशनी कर दी यार इसने। देखो कितनी ब्राइट है ये है इसकी लो बीम। जब हम इसको ऑफ करके इसकी ऑन करें हाई बीम, तो ऐसी कुछ लाइट है भाई इसकी, ऐसी कुछ लाइट है इसकी। आपको बिल्कुल पता चल ही रहा होगा कि इसकी लाइट कैसी है। और अगर मैं आपको इसकी मेन लाइट दिखाऊं जो मैंने एलईडी लगाई है आगे, तो वो कुछ ऐसी है भाई। देखो कैसे ब्राइट कर रही है बिल्कुल। ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है भाई। ये काफ़ी अच्छी लाइट है, ये अंधेरे में नहीं, ये मतलब दिन में भी बहुत जस्टिस करती है। देखो भाई अगर इसके साथ मैं अपनी लो बीम ऑन कर दूँ तो देखो ये कैसा है, और अगर मैं इसकी लो बीम करके वो ऑक्सिलरी लाइट्स की हाई बीम ऑन कर दूँ, देखो भाई रोशनी ही रोशनी है भाई। तो ऐसी कुछ अपनी लाइट्स। और जब आप बात कर रहे थे डबल हॉर्न की, तो भाई वो डबल हॉर्न कुछ ऐसे बजता है, ऐसे कुछ आवाज़ है डबल हॉर्न की। जो नॉर्मल हॉर्न आपने सुना होगा हिमालयन पे, उसकी आवाज़ नहीं है कुछ भी भाई। बाइक को बंद कर देते हैं, आपको आवाज़ कम आ रही होगी। जो नॉर्मल हॉर्न है बाइक का उसकी कुछ आवाज़ नहीं है, उसकी बहुत पतली सी आवाज़ है। तो मैंने डबल हॉर्न लगाया, ये इसकी आवाज़ है। तो मुझे लग रहा है कि आपको पता चली गया होगा कैसी लाइट्स है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी अच्छी लोगों तब भी कर देना यार। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।